छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा थाना अंतर्गत ग्राम पिड़पा में देर रात दो पक्षों में आपसी विवाद के चलते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष ने अपने बचाव में अवैध कट्टे से फायर कर दिया, जिससे महेश यादव नामक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई, जबकि दो लोगों को कट्टे से मार मार कर घायल कर दिया गया। सभी घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर यह विवाद हुआ है। उक्त पूरे मामले में गढ़ी मलहरा थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जाँच के लिए SIT का गठन किया गया है। 7 लोगों के नाम FIR दर्ज की गई है और शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छतरपुर जिले के थाना गढ़ी मलहरा अंतर्गत कल रात को 9 बजे एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे फायरिंग हुई थी, डंडों से मारपीट हुई थी। एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई और दो लोग उसमें घायल हैं। इसमें SIT गठित की जाएगी और 7 आरोपी जिनके विरुद्ध FIR की गई है, उसमें हर बिंदु पर निष्पक्ष जाँच की जाएगी और ये प्रयास किया जाएगा यथासंभव इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी तक की जो कार्रवाई है, इसमें जो व्यक्ति घायल थे उनके जो DD हैं, डाइंग डिक्लेरेशन है, वो किए जा चुके हैं और वीडियोग्राफी भी स्टेटमेंट की हो गई है, घटनास्थल की समीक्षा भी कर ली गई है और SIT जो गठित की जाएगी वो हर जो बिंदु है उस पर गहनता से जांच करेगी। ये पप्पू राजा बरदवाहा और नरेंद्र सिंह बरदवाहा, अभिजेंद्र कलानी और अतुल राजा कलानी, ये लोग आए सीधे और रुके और सीधे फायरिंग करने लगी। जो हमारे भैया थे, जो भैया ने फिर रोका तो उनने सीधे भैया को दो फैर मारी, एक राणा ने एक साहब ने। पहला राणा ने फैर मारा, दूसरा साहब ने मारा, फिर बाकी ने सब लोग उन्हें कट्टी निकाल फायरिंग करे। हम लोग बीच बचाव के लिए दौड़ने के लिए भागी तो हम लोगों को भी गोली देखी से पीटा। फिर क्या विवाद है, चुनाव क्या विवाद था आप लोगों का? विवाद तो कुछ नहीं है, यही है चुनाव गाड़ी चल रही ठीक और जवाब की मकसद जैसे हैं ठीक।